एलिमेंट ऑफ डिजाइन टेक्सचर। आज हम बात करेंगे एलिमेंट ऑफ डिजाइन की, बहुत इंपॉर्टेंट से एलिमेंट की, जो है टेक्सचर। टेक्सचर बेसिकली आप जब किसी भी सर्फेस को टच करते हैं ना, तो जो आपको फील होता है उसे कहते हैं टेक्सचर। इसका मतलब ये है कि कोई भी सर्फेस, जैसे ये वॉल है, इसको मैंने टच किया, मुझे जो इसका सर्फेस फील हुआ उसे कहते हैं टेक्सचर। उसके बाद ये फैब्रिक है, इसे टच करने पे जो मुझे टेक्सचर फील हो रहा है या जो सर्फेस फील हो रहा है उसे कहते हैं टेक्सचर। तो टेक्सचर दो तरह के होते हैं, एक होता है विजुअल टेक्सचर जो कि आप सिर्फ आंखों से देख सकते हैं, लेकिन एक होता है रियल टेक्सचर जो कि रियलिटी में होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम वॉलपेपर की बात करें, तो एक ब्रिक वॉल का वॉलपेपर है जो दिखने में ब्रिक वॉल जैसा टेक्सचर दिख रहा है, लेकिन रियलिटी में वो नहीं है, वो ब्रिक वॉल नहीं है। एक्चुअल ब्रिक वॉल का टेक्सचर बिल्कुल अलग होता है एक वॉलपेपर के ब्रिक वॉल के टेक्सचर से। तो जो दिखने में टेक्सचर दिखता है उसे कहते हैं विजुअल टेक्सचर। जैसे आपने एक टेडी बियर देखा तो आपको पता है, आपको आंखों से दिख रहा है कि वो सॉफ्ट है, या फिर आपने एक सोफा देखा तो आपको आंखों से दिख रहा है कि वो स्पंजी है, तो ये एक विजुअल टेक्सचर हो गया। या फिर मिरर, मिरर को आप देखते हैं तो आंखों से आपको पता चलता है कि वो रिफ्लेक्टिव है या फिर स्मूथ है। तो और जो रियल टेक्सचर होता है वो एक्चुअल टेक्सचर होता है। रियल टेक्सचर आपका हार्ड भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है, रफ हो सकता है, मैट हो सकता है, रिफ्लेक्टिव हो सकता है, शाइनी हो सकता है, और भी बहुत तरह के टेक्सचर्स होते हैं जो कि इंटीरियर में स्पेशली यूज किए जाते हैं हमारे इंटीरियर को एनहेंस करने के लिए। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब आप इंटीरियर डिजाइन कर रहे हैं किसी बिल्डिंग का, तो जो रियल टेक्सचर है उसमें कोई भी एक तरह का टेक्सचर बहुत ज्यादा ना हो, वरना मोनोटॉमी हो जाती है और इस वजह से आपका इंटीरियर बेकार लग सकता है। यानी कि आप रफ टेक्सचर यूज कर रहे हैं तो उसके कॉम्बिनेशन में सॉफ्ट टेक्सचर भी यूज करें, स्मूथ टेक्सचर भी यूज करें, या फिर अलग अलग तरह के टेक्सचर्स यूज करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी वुडन एलिमेंट को टच करते हैं, लकड़ी को टच करते हैं, तो उसमें आपको एक खुरदुरा सा टेक्सचर मिलेगा टच करने पे, तो उसे कहते हैं रफ टेक्सचर। वहीं पे अगर आप टच करते हैं, जैसे ये मेरी डायरी है, इसके ऊपर फेक वैक्सीन है, इसका टेक्सचर टच करने में अलग है, और जो रियल लेदर है वो मे बी इसकी कॉपी, ये उसकी कॉपी है जरूर, लेकिन उसका टेक्सचर भी समहाउ सिमिलर होगा, या फिर आप डिफरेंस भी फील कर सकते हैं। सिमिलरली ये मेरा स्कूल बैग है, इसके फैब्रिक का टेक्सचर, स्कूल बैग नहीं कॉलेज बैग है, इसके फैब्रिक का टेक्सचर थोड़ा डिफरेंट है। और ये एक पिलो है और इसका आप टेक्सचर देखेंगे टच करके, तो ये फरी टेक्सचर में है और ये भी बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। जब हम इंटीरियर बनाते हैं तो बहुत सारे टेक्सचर का कॉम्बिनेशन करते हैं उसे एनहेंस करने के लिए। जैसे कि अगर आप बेड की बात करें, तो बेड के बैक में जो बैकबोर्ड होता है उसमें अलग अलग टेक्सचर, कुशन, स्पंज, अलग अलग चीजें लगती है। वैसे सोफा डिजाइन करते टाइम सोफा का जो मटेरियल होता है वो रफ भी हो सकता है, वो जूट भी हो सकता है, वो रेक्सीन भी हो सकता है, तो हर मटेरियल का टेक्सचर अलग है। अभी आपकी साइकोलॉजी और आपकी चॉइसेस पे है कि आप किस तरह का टेक्सचर इंटीरियर में अपने पसंद करेंगे। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि टेक्सचर ऐसा हो जो सूथिंग और काल्मिंग हो और कंफर्टेबल हो, बस आंखों में देखने में अच्छा लगे ऐसा ना हो। उसमें लाइक आप अगर उसे यूज कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, ऐसी कोई चीज डिजाइन कर रहे हो तो वो कंफर्टेबल होनी चाहिए, इरिटेटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टेक्सचर्स से एलर्जीज भी हो सकती हैं। तो हमेशा हमें अच्छे टेक्सचर्स को यूज करना चाहिए। अगर हम बात करें कि हमारे इंटीरियर में टेक्सचर कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, तो आपके फैब्रिक्स यानी कर्टन हो गया, आपका रफ हो गया, आपका फर्नीचर कवर हो गया, इन चीजों में यूज होता है, टेबल क्लॉथ हो गया। उसके बाद फर्नीचर में आपका टेक्सचर यूज होता है, लाइक वुडन फर्नीचर का टेक्सचर आपको अलग दिखेगा, और उसके बाद प्लास्टिक फर्नीचर का टेक्सचर आपको अलग दिखेगा, अलग अलग मटेरियल से बने हुए फर्नीचर का टेक्सचर आपको डिफरेंट दिखेगा डेफिनेटली। और उसके बाद आपका टेक्सचर जो है वो वॉल्स पे भी होता है, जैसे वॉल पे एक टेक्सचर पेंट होता है एक स्मूथ, जैसे ये प्लेन वॉल है, ये एक प्लेन वॉल है, तो इसका जो टेक्सचर है वो स्मूथ है, लेकिन वहीं पे अगर आप टेक्सचर पेंट कराएंगे तो उसमें कुछ आपको पैटर्न्स ऊपर खाबड़ से अप्स एंड डाउन दिखेंगे, तो वो भी एक टेक्सचर होता है। इन तरह के टेक्सचर्स होते हैं जो कि हम इंटीरियर में यूज करते हैं बेसिकली। और इसके बाद आप एक केस स्टडी देखेंगे जिसमें एक टेक्सचर का पूरा यूज करके दिखाया गया है एक 3D इंटीरियर में जो कि मैंने डिजाइन किया है, इसको आप इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं, इसमें भी एक्सप्लेनेशन है। टेक्सचर ऐसा सरफेस जिसे छूते ही ना आपको कुछ फील हो जाए उसे कहते हैं टेक्सचर। टेक्सचर आपको सॉफ्ट हो सकता है, स्मूथ हो सकता है, रफ हो सकता है, मैट हो सकता है, शाइनी हो सकता है, और भी बहुत तरह के। तो चलिए देखते हैं लिविंग रूम के इंटीरियर में कैसे टेक्सचर का यूज हुआ है। सबसे पहले आप ये रफ देख लो, इसका ना टेक्सचर खुरदुरा है यानी कि रफ। उसके बाद अगर हम देखें कि ये जो फ्लोरिंग है वुडन वाली, इसकी ये इसका टेक्सचर जो है वो है बिल्कुल मैट। अगर हम देखें फिर एलसीडी यूनिट की तरफ, तो इसमें आपको एक शाइनी टेक्सचर दिख रहा है गोल्डन कलर में, और ये जो बैटन्स लगे हैं ये रफ टेक्सचर के हैं। अगर वॉल्स की बात करें तो मार्बल फिनिश में वॉल्स हैं और इनका टेक्सचर है चूने में स्मूथ। उसके बाद ग्लास लगे हैं, ग्लासेस जो होते हैं वो रिफ्लेक्टिव भी होते हैं और स्मूथ सर्फेस के होते हैं। अगेन अगर हम बात करें सोफा और काउचेस की, तो इनका जो टेक्सचर है, अगर हम ब्लू सोफा की बात करें तो इसका टेक्सचर थोड़ा सा रफ है तो ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, और अगर हम ग्रे वाले सोफा की बात करें तो उसका जो टेक्सचर है वो सॉफ्ट एंड स्पंजी है। देन अगर हम बात करें फिर सेंटर टेबल की, तो उसे जब आप छुएंगे तो एक फ्लैट प्लेन सर्फेस है तो वो स्मूथ लगेगा। सिमिलरली जब हम एलसीडी यूनिट में ये बैटन के बीच वाली ग्लास की बात कर रहे हैं तो ये है रिफ्लेक्टिव। यहाँ पे टीवी की स्क्रीन को भी टच करेंगे तो वो भी जो है वो स्मूथ होगी। तो यार टेक्सचर ना दो तरह के होते हैं, एक रियल टेक्सचर होता है, एक विजुअल टेक्सचर होता है। रियल तो जो एक्चुअल में है वो है, विजुअल टेक्सचर जो आपको आंखों से दिखता है, जैसे कि शाइनी, रिफ्लेक्टिव, मैट या रफ, जो आपको आंखों से दिखने में लगा। जैसे अगर इस रूम की वॉल की बात करें तो ब्लू सोफा के पीछे ना एक ग्रे कलर की वॉल है जिसका टेक्सचर रफ दिख रहा है। अब ये वॉलपेपर भी हो सकता है टेक्सचर वाला, या फिर रियल स्टोन्स का भी हो सकता है। अगर वो रियल स्टोन है तो उसे एक्चुअल टेक्सचर में कंसीडर करेंगे, और अगर वो वॉलपेपर है उसे विजुअल टेक्सचर उसका रफ है तो उसे हम विजुअल टेक्सचर बोलते हैं, यानी कि दिखने में लगा है वो रफ, एक्चुअल में वो बस वॉलपेपर होता है। तो ये कुछ तरह के टेक्सचर्स होते हैं।